क्लास अभी अभी स्टार्ट हुई है। स्टार्ट करें सर। अच्छा जी, जवाब दे रहा हूँ बिलाल सर। प्लीज बोर्ड में देखिएगा दोस्त, प्लीज बोर्ड में देखिएगा मेरे बच्चों। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बैठ जाता कि अच्छा जी सर, मैं अगर एक आपके सामने एक छोटे से इलस्ट्रेशन रखूं, मुझे एक बात बताएं सर। मेरे पास कंपनी एक एक कंपनी के प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है से 80 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है, प्लीज बोर्ड में देखिएगा सर। वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास से 48 रुपीज की। सर सीएम कितने का है? 3200 रुपए का सीएम है। सीएम रेशियो निकाल के दे सकते हो कितना जी? 40%। ये कनेक्ट करो ना इससे आगे। चलो जी सर, अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 यूनिट की सेल्स बताओ कितनी होगी? 1000 यूनिट्स की 80,000, 1000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 48,000। बताओ सर मेरे पास 1000 यूनिट का सीएम कितना होगा? 32,000। क्या सीएम रेशियो तब भी 40% रहेगा? तो पहली चीज जो हम आज की क्लास में सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ने से सीएम रेशियो पे कोई तब्दीली नहीं आती। अच्छा सीएम रेशियो निकालते कैसे हो आप? आप सीएम रेशियो निकालते हो सर सीएम पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो सर वॉल्यूम बढ़ने से सीएम पर यूनिट तब्दील नहीं होता, वॉल्यूम बढ़ने से सेल्स प्राइस पर यूनिट तब्दील, ये दोनों हर जगह क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ऐसा तो मुझे बताओ, वॉल्यूम बढ़ने से सीएम रेशियो पे तब्दीली आएगी नहीं आएगी? ये दिमाग में रखना, अभी जो सवाल आज मैं कराऊंगा उसके अंदर ये चीज आएगी और आप लोग मतलब मिसगाइड नहीं हो जाना यार, वॉल्यूम बढ़ गया तो अब सीएम रेशियो चेंज हो जाएगा। नहीं, वॉल्यूम बढ़ने से सीएम रेशियो चेंज, सेल्स भी बढ़ती है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है और सीएम भी बढ़ जाता है, लेकिन परसेंटेज सीएम रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। पहली चीज हमने ये सीखी। अच्छा जी, अब जरा गौर से एक चीज नोट कीजिएगा दोस्त। मुझे एक चीज ये बताइएगा, मैं आपसे कहता हूँ जी सेल्स, एक कंपनी की सेल्स है भैया 10,000 यूनिट्स इंटू 12 कितना जी है? 1,20,000। 1,20,000 यह है 2001 की सेल्स। 2002 में कंपनी की सेल्स है 10,000 की जगह 15,000 यूनिट्स, बताओ कितना आ रही? 1,80,000। बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट सेम 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8 कितना जी? 80,000। सर सेम 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8, 1,20,000। बताओ सर मेरे पास सीएम कितना? 40,000। मेरे बच्चों इधर सीएम कितना? 60,000। पक्का? सर सीएम 60,000। सर फिक्स कॉस्ट इधर है 25,000, इधर भी कितनी होगी? क्यों 25? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से फिक्स कॉस्ट तब्दील नहीं होती, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो मुझे बताओ मेरे पास सर यहाँ फिक्स कॉस्ट कितनी है, इधर भी कितनी होगी? बताओ इधर प्रॉफिट कितना है? इधर 15 और इधर? मेरे बच्चों बोर्ड पे फोकस, बोर्ड पे जो सिखा रहा हूं समझा रहा हूं उस पर फोकस रखना। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट में तब्दीली कितनी है, चेंज कितना है दोनों का? प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है? क्या ये प्रॉफिट का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है? क्या इस प्रॉफिट का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है? नहीं सर। तो इस प्रॉफिट का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? क्या दोनों के सीएम में जो डिफरेंस है वही इनके प्रॉफिट में भी डिफरेंस है? क्या दोनों के सीएम में जो डिफरेंस है प्रॉफिट में भी वही डिफरेंस है? यस सर। मुझे बताओ सर, इन दोनों सालों में सेलिंग प्राइस सेम रही? इन दोनों सालों में नशियों सेलिंग प्राइस सेम रही? यस। इन दोनों सालों में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रही, सेलिंग प्राइस सेम रही, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रही? तो सर दोनों का सीएम रेशो भले एक साल 12 बेचें, एक साल 15 बेचें, इसके बावजूद सीएम रेशो सेम होगा? यस सर। सीएम रेशो क्या होगा चेक कर लो आप, 40,000 को 1,20 से डिवाइड करो 33% निकलेगा। आप 60,000 को 1,80 से डिवाइड करो तब भी 33% निकलेगा। मैंने इन दो टेबल्स के थ्रू, इन दो चीजों के थ्रू तुम्हें दो चीजें सिखाई। नंबर वन,
मैंने आपको ये बताया कि वॉल्यूम तब्दील होने से सीएम रेशियो तब्दील नहीं होता। मैंने आपको ये बताया कि सर कंपनी का वॉल्यूम बढ़ने से फिक्स कॉस्ट भी तब्दील नहीं होती। और अगर आपका सेलिंग प्राइस दोनों सालों में सेम है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, फिक्स कॉस्ट दोनों सालों में सेम है, तो जितना चेंज तुम्हारे प्रॉफिट में आ रहा है वो सारे का सारा चेंज तुम्हारे सीएम में भी आ रहा होगा। लेकिन सीएम रेशियो तब्दील वापस 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 दोनों एग्जांपल्स में मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई, वॉल्यूम बढ़ने से सीएम रेशियो तब्दील, वेरी गुड सर, वॉल्यूम बढ़ने से सीएम रेशियो चेंज। सर अगर दोनों सालों में सेलिंग प्राइसेस सेम रहे, दोनों सालों में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे, दोनों सालों में फिक्स कॉस्ट सेम रहे, क्या तीन चीजें, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और तीनों सालों दोनों सालों में सेम रहे, तो जो चेंज आपको प्रॉफिट में नजर आ रहा है वही चेंज आपको सीएम में भी नजर आएगा। ऐसा अगर मैं इन चीजों की बुनियाद पे आपसे एक सवाल पूछूं तो आप मुझे जवाब दे पाओगे पक्का? ये पहले कॉपी करो, लिखो इसके साथ ये सारी चीजें, मैं यहां लिख के दे देता हूं, मैं यहां लिख के दे देता हूं। इंक्रीज और मैंने आपको ये बताया कि जनाब इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज इफ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट रिमेंस द सेम इन टू इयर्स एनी चेंज इन प्रॉफिट इज द सेम एज द चेंज इन सीएम। या आप ये लिख सकते हैं कि जनाब चेंज इन प्रॉफिट विल बी एग्जैक्टली मैच विद चेंज इन सीएम। ऐसा ये याद रखना, अभी मैं आपको सवाल दूंगा, दिमाग हाजिर रखना, ठीक है? दिमाग हाजिर रखना। आज बेटा तुम्हारा ना थोड़ा सा हर सवाल जो आएगा ना उसमें क्लास का 80% बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है जी, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि मैं थोड़े से मुश्किल सवालों पर जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन हर सवाल के एंड पे तुम चीज सीख जरूर जाओगे और फिर उस नॉलेज को तुम अगले सवाल में लेके जाओगे, ठीक है? भाई इसके बाद जो FAR 1 की क्लास है ना वो शायद मैं ना लू, मेरे गले की वाट लगी हुई है, ठीक है ना, हैं लू क्लास लू कमी नहीं हो यार। अच्छा उसके बाद तुम्हारी टैक्स की क्लास है उसके पीछे, उसके बाद FAR 1 की आकाश की है, मेरी क्लास के बाद आकाश की क्लास है, फिर मैं लूंगा नहीं क्योंकि फिर बीच में गैप आ जाएगा ना, फिर उठ के भाग जाओगे आप लोग, हैं मतलब नहीं नहीं है? नहीं नहीं असाइनमेंट वाले लोग कॉम होती तो फिर तो क्या ही था, अभी हम तीसरे टॉपिक पे होते, ऊपर कर दो, असाइनमेंट वाली कॉम नहीं है ये, ठीक है ना जी, बढ़े हम आगे।
जी मेरे भाई, बड़े हम आगे प्यारे बच्चों बढ़ जाएं, बड़े ड्यू टू इंक्रीजिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्लीज तूने अपना नाम चेंज कर लिया, इंसान बन गया तो क्यों सुनाऊं मैं। चलो जी फिक्स कॉस्ट सर्टन लेवल तक चेंज नहीं होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हम यहाँ अज्यूम करेंगे नहीं होगी। कल कॉल कल का ग्रुप में सेंड कर दें क्या जी? अच्छा सी एल कल, ओके यहाँ कमेंट्स आ रहे हैं क्या? अच्छा यहाँ आ रहे हैं सर। जिस स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स मिस हो गए हैं वो न्यू बैच की क्लासेस अटेंड करके कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिक्स कॉस्ट तो इंक्रीज हो सकती है ड्यू टू इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन। देखो सुनो, फिक्स कॉस्ट जो है वो जल्दी आया कर यार, जल्दी आया कर। फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है, डेफिनेटली इंक्रीज होती है, लेकिन जब हम कॉस्टिंग पढ़ रहे होंगे जब तक एग्जामिनर नहीं कहेगा हम फिक्स कॉस्ट को अपनी तरफ से इंक्रीज ऐसे नहीं करेंगे कि इतनी सारी प्रोडक्शन बढ़ गई है तो चलो इसको भी 10% बढ़ा देते हैं। नहीं, एग्जामिनर कहेगा तो हम बढ़ाएंगे, नहीं तो बड़े हम दोस्त आगे कर लो। चलो मेरे बच्चों, चलो जी मैनुअल भाई मेरा बन चुका है, मैंने आपको उस दिन भी बताया, सिर्फ एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पे दिया हुआ है दो लोगों को रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मैंने उस दिन भी कुछ सवालात शेयर किए उसके जवाब ऊपर नीचे आ रहे थे, तो मैं सिर्फ लोगों को बिठाया हुआ, सिर्फ टिक कर लो कि जितने सवालात हैं सबके जवाब मौजूद हैं या नहीं है। खाली सवालों वाली किताब चाहिए तो मैं भी दे दूं, फायदा नहीं होगा फिर उसका, ठीक है जी। मैनुअल दूंगा उसके अंदर सॉल्यूशंस भी होंगे, ठीक है। तो तसल्ली और तामुल से बैठना है। सर क्या वो किताब कैंपस पे अवेलेबल होगी? बिल्कुल अवेलेबल होगी। पीडीएफ पे अवेलेबल होगी? बिल्कुल पीडीएफ पे अवेलेबल होगी। और क्या लकड़ी पे भी लिख के दूं, क्या करूं? लास्ट अटेम्प्ट के मैनुअल इस अटेम्प्ट के मैनुअल में फर्क है? हाँ फर्क है, ठीक है जी। प्राइस कितनी होगी इसकी? सर इसकी प्राइस होगी 8,900 रुपए। मुझे क्या पता यार, जो फोटोकॉपी जहां से कराना है करा दो, मैं पीडीएफ दे दूंगा। नीचे से करानी है नीचे वाला जो, आप उससे जाके बात कर लो। बाहर से करानी है बाहर से करा लो। मैंने आपको बताया ना गरीबाबाद में आटा नहीं लेता है, ठीक है ना, कॉपी के आगे फकीराबाद में फ्री में करके देता है, और कटी पहाड़ी पे चले जाओ तो पैसे भी साथ दे देगा, मर्जी आप। अच्छा नहीं सर, आ जाए सवाल में। सवाल ये कह रहे जनाब, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू एआरएम कंपनी वेयर नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। जैसे ही हमने ये सुना पहली चीज जहन में ये आई कि दोनों सालों में जो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है वो सारे का सारा डिफरेंस कहां से आ रहा है? सीएम का। क्या दोनों सालों में सीएम परसेंटेज चेंज हुई है? नहीं चेंज हुई सर। कैसे? क्योंकि ऊपर वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस तब्दील नहीं हुई, वेरिएबल कॉस्ट तब्दील नहीं हुई, सिर्फ एक चीज चेंज हुई, वॉल्यूम। दोनों सालों में सेल्स बढ़ गई,
कहाँ गई? 2009 2010 की सेल्स में चेंज है, क्यों? सेलिंग प्राइस तो सेम है, वॉल्यूम बढ़ा है, उसका मतलब है वॉल्यूम चेंज होने की वजह से हमारे सीएम रेशो में कोई तब्दीली। अच्छा वो कह रहा है ये चार डेटा है आपके पास, आप ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालें, आप सीएम रेशियो भी निकालें, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालें, आप फिक्स कॉस्ट भी निकालें और पता नहीं क्या क्या निकालें। शाबाश, शुरू हो जाओ। भाई सीएम रेशियो तब्दील कैसे हो गया भाई? अच्छा चलो छोड़ दो, यहां देख लो, छोड़ो सारी चीजें, छोड़ो यहां देख लो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां देख लो। सुनो मेरे बच्चों, सीएम रेशियो 0.3, वेट प्लीज, चलो वेट कर रहा हूं। शाबाश, हिंट दे रहे हो तुम लोगों, चलो मुझे एक बात बताओ, कंपनी के दोनों सालों की सेल्स कितनी है? सर मेरे पास 2009 में सेल्स हैं 223,000 और यही है। ये किस साल का है? एक 2009 का है, एक 2010 का है, क्लियर? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ये नहीं पता, यही है। फिर सीएम कितना है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं पता, फिक्स कॉस्ट ये भी नहीं पता, हाँ प्रॉफिट पता है, वो कैसे पता है भाई? सेल्स में से कॉस्ट माइनस करो प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है सेल्स में टोटल कॉस्ट माइनस करो? 239,400, फिर 307,800। अच्छा मैं इधर निकाल रहा हूं डिफरेंस, एक बात बताओ एडिशनल सेल्स कितनी है 2009 और 10 के बीच में? एडिशनल 2,28,000 की एडिशनल सेल्स के लिए पता नहीं वेरिएबल कॉस्ट क्या था, सीएम क्या था, फिक्स कॉस्ट तो कुछ नहीं होगी, जीरो होगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट तब्दील। अब बताओ प्रॉफिट कितना एडिशनल? 68। एक बात बताओ 2,28,000 रुपए की एक्स्ट्रा सेल्स की तुमने और तुम्हें 68,400 का प्रॉफिट हुआ, और हमने ये पढ़ा है कि जितना चेंज मेरे प्रॉफिट में आया है उतना ही चेंज मेरे, क्योंकि एडिशनल फिक्स कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है 2009 और 10 के बीच में, एडिशनल फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आप बता सकते हो कि सीएम रेशियो कितना है? कितना? ओके तो ऐसे जाना था, ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन है सीए फाइनल इंडिया का, ठीक है जी, 11 मार्क्स का, ठीक है जी। अब सुनो, निकल आया सीएम रेशियो 30%, जब 30% यहां निकल आया तो मैं यहां पर भी 30% सीएम डाल सकता हूं, कितना डालो 30% सीएम? 3×6,900, इधर 735,300, ये तो आ गया सर, हिसाब किताब हो गया। अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट होगी? बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट होगी, या 70% भी ले सकते हो, कितना? 155, इधर 1,715,700, पक्का? अब बताओ फिक्स कॉस्ट दोनों सालों में सेम होनी चाहिए, कितना? आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो ना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 427,500। हाँ जी, कितने लोग पहुंचे थे यहां तक? एआरएम कंपनी तो हमने नाम दे दिया ना भाई, इसको एक कोई टेंशन हो रही। एआरएम कंपनी इंडिया में कब खुली? एआरएम कंपनी बहुत सारी जगहों पे खुली है,
अच्छा चलो अब एक बात बताओ सर, हमें फिक्स कॉस्ट भी पता चल गई, हमें सीएम रेशियो भी पता चल गया, आप तो ब्रेक इवन निकालना बहुत आसान है। देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4,27,000, सीएम रेशियो कितना है, कितना जी, कोई मसला नहीं, कोई शोली बात नहीं आ रही जी, 142,500। अच्छा एक बात बताओ, 2010 का ब्रेक इवन ज्यादा होगा या कम होगा? सेम होगा भाई, ब्रेक इवन में तो सीएम रेशियो दोनों सालों में सेम है, फिक्स कॉस्ट भी दोनों सालों में सेम है, तो बताओ हमने क्या क्या निकाल लिया, ब्रेक इवन निकाल लिया, सीएम रेशियो निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट निकाल ली, और अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हर साल की अलग अलग होगी, ऐसा मुझे बताओ 2009 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, कैसे कैसे इतनी बड़ी सेल्स में से ब्रेक इवन काट दो, इतनी बड़ी सेल्स में से ब्रेक इवन काट दो, कितना, इतनी बड़ी सेल्स में से ब्रेक इवन काट दो, कितना, 104। इसको इसके सीएम रेशियो से मल्टीप्लाई करो ना, प्रॉफिट भी टैली हो जाएगा, इस समय इसको मल्टीप्लाई करो जरा सीएम रेशियो से, प्रॉफिट्स भी टैली हो जाएंगे। देखो तला मुझे एक बात बताओ, दोनों सालों में जो डिफरेंस है फिक्स कॉस्ट तो जीरो होगी, दोनों सालों में फिक्स कॉस्ट सेम है, कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगी नहीं होगी, इतने एडिशनल सेल्स के लिए, 2,28,000 की एडिशनल सेल्स के लिए सर इतना आपने उसमें एडिशनल सीएम कमाया, तो सर अगर एडिशनल सीएम को एडिशनल सेल्स से मैं डिवाइड कर दूं सीएम रेशियो आ जाएगा, ऐसा, हाँ जी, कितने लोगों ने सही किया, कोई एक आध बच्चा, 3, 4 लोग, 5 लोग, सीएम वर्सेटा में निकाल लिया सही, तो बाकी तो फिर सवाल में कुछ था ही नहीं ना। चलो जी अब दूं आज के दिन का एक और सवाल ऐसा दूं जिसमें आपको फील हो गया आपको कुछ नहीं आता है, चलो जी रुको, हाँ जैन मुझे एक बात बताओ, 2010 में कितनी एडिशनल सेल्स की है जैन, हमने एडिशनल सेल्स कितनी की है 2010 में, 68,400, सॉरी एडिशनल सेल्स 2,28,000, इस एडिशनल सेल्स में हमने कितना एडिशनल सीएम कमाया, हमने कितना एडिशनल सीएम कमाया, गुड हमजा वेरी गुड, दोनों सालों के देखो प्रॉफिट का डिफरेंस निकालो, दोनों सालों के प्रॉफिट्स का डिफरेंस निकालो कितना है, 68,400, ऐसा है। अच्छा दोनों सालों में फिक्स कॉस्ट तब्दील नहीं हुई है, तो इस एडिशनल सेल्स के लिए कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं हुई, जीरो, ऐसा, तो ये एडिशनल प्रॉफिट असल में एडिशनल सीएम भी है। अब बताओ 2,28,000 में अगर 68,400 का सीएम है तो सीएम रेशियो कितना है हमारा, बेटा 2,28,000 को 68,400 से डिवाइड नहीं करो, 68,400 को 2,28,000 से डिवाइड करो, ऐसा, अब आगे से पूरा सवाल खुल जाएगा, सेट है, 30% आ गया, अब 30% सीएम यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो, तो यहाँ दोनों की वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी, सेट है। चलो जी यार मुझे एक बात बताओ, ऑन ऑनेस्ट टू गॉड मुझे बताओ यार, इसमें कोई ऐसी टेक्निक है जो हमें आनी चाहिए या ये सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है विद आईक्यू, आपका दिमाग चलता हो बस, ठीक है ना, बड़े हम आगे। चलो जी एक और सवाल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तैयार हो, करो करो, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, चाहो तो 5 मिनट लो जी, बिल्कुल कोई मसला नहीं, दोनों कॉस्ट का डिफरेंस निकालते तो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट आती, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट एडिशनल सेल्स को लिंक करती तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाता, 1 - वेरिएबल कॉस्ट रेशियो तो सीएम रेशियो आ जाता, आगे ले जाता, बिल्कुल सही। अगर सीएम की वैल्यू नहीं निकाल ली तो वैल्यू अज्यूम करके पूरा काम कर लो तो नंबर मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे, लेकिन वो सीएम के कैलकुलेशन के नंबर कट जाएंगे। एक बच्चे ने कहा मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मैंने सीएम रेशियो खुद से अज्यूम कर लिया, बाकी सारा काम कर दिया, हाँ अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना, जी हम लोग को ये फैसिलिटी भी है, यहाँ काउंट भी पड़ रहा है।
यार बातें नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बातें नहीं। कौन सी फिक्स कॉस्ट? देखो वेरिएबल कॉस्ट की एक ही डेफिनेशन, जो हर यूनिट में चेंज हो, ठीक है, नहीं हो रही है वो वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, हाँ सर, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। यार एक बात बताओ, जब आपको 30% का सीएम रेशियो पता चल गया था मेरे बच्चों अल्लाह के वास्ते, तो आपने इस साल का भी सीएम निकाल लिया, इस साल का भी सीएम निकाल लिया, दोनों सालों का आपने सीएम निकाल लिया, ऐसा? जब दोनों सालों का आपने सीएम रेशियो से सीएम निकाल लिया, तो फिर आप वेरिएबल कॉस्ट भी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो इन दोनों का डिफरेंस, और फिक्स कॉस्ट भी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना? राइट है, आओ जी आगे आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं एक और सवाल दूं। आप गलती नहीं करना, आप गलती नहीं करना। अब मुझे बताओ, इस सवाल में भी वही सीन है, दो साल है और दोनों सालों में से वही आपने मुझे ब्रेक इवन निकाल के देना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के देना है। शाबाश, हैं? हाँ, ये कॉस्ट की जगह प्रॉफिट दे रही है। काम कर लो यार, रिक्वायरमेंट सेम है बेटा। बीस परसेंट आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 40 8 / 40, ऐसा बता रहा हूं हमीज, रुक जाओ। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 80%, बिल्कुल सही। हो गया, ब्रेक इवन क्या आ रहा है? 1.5 लाख, वेरी गुड। अब इसके बाद एक और सवाल दूंगा, वो भी तुम्हें नानी याद दिला देगा, ठीक है ना? अगली दो क्लासों में ऐसी खतरनाक छोटे छोटे सवाल, और फिर ये सवाल बड़े सवालों में कैसे ट्रांसलेट होते हैं वो सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? थोड़ा सा अपना मैथमेटिकल रिफ्लेक्सेस अच्छे करने, ठीक है? फिक्स कॉस्ट 30,000 है, हाँ बिल्कुल। तो फिर आपको डाटा पूरा देता, ऐसे नहीं होता, फिर आपको चेंज बताता कि दोनों सालों के फिक्स कॉस्ट में इतना इतना अमाउंट चेंज है, ठीक है ना? फिर आप वो रख के जो है वो डिफरेंस में वो रख के सीएम निकालते। चलो जी, ब्रेक इवन 1.5 लाख है, चलो जी, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, उसी जैसा सवाल था इन नेचर,
मुझे बताएं उसी तरह सर दोनों सालों की सेल्स 2000 या ईयर वन ईयर टू कर दें दबा, ये कितना है 240 और 280। सर मेरे पास एडिशनल 40,000। सर वी डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी, सीएम भी हमें नहीं पता, जब सीएम नहीं पता तो हमें प्रॉफिट पता है कितना 18, 26 और दोनों का डिफरेंस। आप बताओ अगर ये 18 है सर, यहां फिक्स कॉस्ट एडिशनल कुछ नहीं है, ये डिफरेंस भी कितना होगा सर मेरे पास 8,000 होगा। तो मुझे बताओ सर ये 8 और 40 को अगर मैं लिंक करूं तो मेरा सीएम रेशियो इज 20, अगर यहां 20 है तो यहां भी 20 होगा, इधर भी 20 होगा। आप बताओ 30,000 की फिक्स कॉस्ट मुझे यहां नजर आ गई जी, वेरिएबल कॉस्ट। फिर सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ब्रेक इवन कितना है? डेढ़ लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ईयर वन में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ईयर टू में, हाँ जी। अब एक और सवाल ऐसे दूं जिसमें तुम्हें तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस शटर्ड हो जाए, छोटा सा सवाल होगा इतना जैसा, लेकिन तूफान ला देगा, ला दे सर ला दे। हैं बड़े आगे हम रहम, चलो जी जान शाबाश सर, कोई आवाज दे रहा था प्रॉफिट। चलो आओ इसको मैं करवा, 30% आ रहा है मार्जिन तो, अपना सीएम रेशियो 30% आ रहा है सीएम रेशियो, बिल्कुल सही है। अच्छा नहीं चलो सर, वैसे तो मैं व्हाट्सएप कर दिया करो शाजवान। चलो जी चलो मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो, फोकस करो। मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में तुम्हें यह बताया हुआ था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है और उसके यूनिट्स इतने हैं, दोनों रुपयों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होती है और उसके 7,500 यूनिट्स भी दिए हुए। तो अगर मैं काम करूं, मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स को डिवाइड कर दूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट से तो क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। डन। अच्छा सेलिंग प्राइस कितने की है, 25, ये आ गई, इस पे ईमान है। फिर मुझे एक बात बताओ, कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है,
टोटल सेल्स हैं कंपनी की 7,500 यूनिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी और 2,500 यूनिट ब्रेक इवन। ऐसा इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, यह आ जाएगी कंपनी की टोटल सेल्स कितनी, कंपनी की टोटल कॉस्ट यहां गिवन है कितनी, आप बताओ कंपनी का प्रॉफिट कितना आ रहा है। 56,250, 56,250। अच्छा गौर से देखो, हम सबको एक बात पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज में गिवन हो और मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं सीएम रेशियो से तो मेरे पास क्या आ जाता है, ऐसा। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको सवाल में गिवन है 187,500, सीएम रेशियो मुझे नहीं पता, प्रॉफिट पता है, यही है। आप बता सर मेरे पास सीएम रेशियो कितना आ जाएगा, कितने लोगों ने इस चीज को अनलॉक कर लिया था। एक फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें, फैक्ट, मजाक नहीं कर रहा, फैक्ट बता रहा हूं। मुझे ना 4 साल हो चुके थे टीचिंग करते हुए, कितने साल, 4 साल। 2011 में मैंने पहली दफा सवाल उठाया और मैं फंस गया उसके अंदर, चीजें घुमा घुमा के फंस गया। फिर मैं तामुल से सोचा, मैंने कहा यार प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये दो चीजें दी हुई हैं, लिंक किया। मुझे 25 से 30 मिनट लगे थे, तो अगर किसी से नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता या वो कोई बोंगा है, नहीं, ठीक है ना। आपका टीचर ऐसा ही था, ठीक है ना, नहीं मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, ठीक है ना। ये कोई नहीं कि यार वो भाई हम तो जो पास होता है वो कोई मतलब जबरदस्त किस्म का जीनियस होता है, नहीं भाई नहीं। आपको 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे नजर आएंगे जो एक नंबर के, ठीक हाँ भाई, चीते आएंगे मिलेंगे आपको वाह वाले। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, सीएम रेशो आ गया, आप बताओ जब सीएम रेशो आ गया, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, कंपनी की टोटल सेल्स आपने अभी अभी निकाली थी कितनी, 2.5 लाख, 2.5 लाख सेल्स टोटल। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट और सीएम रखूं तो सीएम रेशियो अगर 30% है, 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा होगा, निकालो कितना आ रही, 175,000। ऐसा फिर मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट मुझे चाहिए नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे प्रॉफिट पता है कितने का, अब बताओ मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितने की है। और अगर 18,750 रुपए की फिक्स कॉस्ट को मैं डिवाइड कर दूं सीएम रेशो से क्या आ जाएगा, 625, ये मेरे पास क्या आ जाएगा। अच्छा ये ब्रेक इवन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आपको 2,500 यूनिट दिए हुए थे और 2,500 रुपए की प्राइस थी, क्या हमने सीएम रेशो निकाल लिया, क्या हमने ब्रेक इवन सेल्स निकाल ली, क्या हमने फिक्स कॉस्ट निकाल ली, क्या हमने प्रॉफिट निकाल लिया, खत्म हो गया। अगर एमएस रुपीज में नहीं होता तो फिर मुश्किल हो जाती, ठीक है ना, फिर आपको सेलिंग प्राइस जरूर देता, अदरवाइज सवाल पूरा नहीं होता ना। कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था पहली गो में, कोई इशू नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं, कोई इशू वाली बात। टोटल कॉस्ट में एक जीरो ज्यादा है, कम कर दो, पर यूनिट प्रॉफिट अब निकल आएगा, पहले निकालना मुश्किल था। देखो जितने भी सवाल तुम लोगों को मैं करा रहा हूं ना, ये इंडिया के सीए फाइनल के क्वेश्चंस हैं, इंडिया में सीए फाइनल में 6-6, 8-8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, होते बहुत सारे, ठीक है ना। और अगर ये सवाल आई कैप में आना शुरू हो जाए तो पासिंग परसेंटेज सिग्निफिकेंटली गिर जाए, क्योंकि आप लोग एक कोई भी बंदा पेपर पूरा नहीं करे, एक सवाल में फंसे तो उसी में फंसा रह जाए,
बड़े सवाल में जब बंदा फंसता है तो हाथ पांव मार के कुछ ना कुछ कर रहा होता है, छोटे सवाल फंसाते हैं, नंबर भी नहीं देते हैं और फंसा के रखते हैं। सवालों की बात कर रहा हूं जी। इंडिया का सीए मुश्किल है, इंडिया के सीए पे काम बहुत हुआ है बेटा। इंडिया की जो किताबें हैं, इंडिया के जो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बाकी चीजों में काम बहुत हुआ है। आप लोग यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो पैसा कमाते हैं, इंक्लूडिंग मी। नहीं बेटा मैं आपके घर आता हूँ, मैं भी कमाता हूँ, बोल रहा हूँ। मैंने कब मना किया, मैं बोल रहा हूँ। एक होता उड़ता हुआ तीर, एक होता आप खुद वहां तक पहुंच जाओ। मैंने पहले बोला कि इंक्लूडिंग मी, सुना ही नहीं। सही कहा, इज्जत और जिल्लत अपने हाथ में। क्यों मैंने, खैर है बच्चा अपना भाई है। नहीं नहीं शाम के बच्चे बनो जो सर, अगर प्रॉफिट ना होता यार, देखो ये वाले सवाल नहीं करो। अगर ये ना होता और नहीं होता तो सवाल के लिए डाटा वो पूरा करके देता ना। अब एक बंदा कह रहा चार की जगह तीन चीजें दी होती तो नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। नहीं 33% नहीं आ रहा बाबा, वैसे 30% ही है। बड़े हम आगे दोस्त, जब वैसे था कौन ये बच्चा है, मैं सॉरी कर लू इसे, सॉरी यार। नहीं नहीं असल में नहीं, भाई देखो यार हम सब पैसे ही कमाते हैं और क्या है यार, मतलब ठीक है पैसा कमाना हमारा राइट है, ठीक है ना। हाँ एक मुझे खुशी हुई उस दिन ये देख के सी एस स्टार पे किसी बच्चे ने कुछ दूसरे कॉलेजेस वगैरह का जो है ना वो पट्टा बिठाया बिठाया हुआ, बच्चों ने गालियां दे रहे, मैं राइस की जगह होता ना मैं फी कम कर देता, बाखुदा में फी उस बच्चे को बुलाता जिसकी जरूरत थी उसकी फी कम कर देता, और होना भी यही चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने ले लिया उसको हेड ऑन, खड़ी कर दी बच्चों के साथ। और फिर यार जो पंजाब में जो लोग हैं वो इतनी आसानी से दबते नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो आईकैप के डिफरेंट मीटिंग्स में बैठता हूं, जो पंजाब के लोग हैं वो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं भाई, वो सुनाने में डरते नहीं। एक तो उनके हर तीसरे घर में फौजी है, ठीक है ना, डरवर तो किसी को लगता नहीं है। अभी ना ना यार, हाँ नहीं चलो जी। देखो हमारे यहाँ पे ये मामला था कि टीचर 40-40 मिनट लेट आ रहे थे, ये हमारे यहाँ पे भी था मामला, ठीक है ना। जो जहां गया ना अपनी आदत लेके गया, ठीक है ना। बड़े मागे दोस्त, बढ़िया यार, बारिश की आवाज आ रही है। एक सवाल और, जी मेरा बच्चा एसी बंद कर दो, ऊपर कर दो। क्या जी बंद, चलो बोर्ड पे मेरे बच्चों, अल्लाह के वास्ते बोर्ड पे। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट से डिवाइड करें, पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट ला के करेंगे क्या, हमें तो सेम रेशियो चाहिए ना। चलो जी सर एक छोटा सा डिस्कशन और फिर उसके बाद एक सवाल, बड़े आगे हम सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो और बोर्ड पे फोकस करो प्लीज।
सर बोर्ड पे देखिएगा प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। मुझे एक बात बताएं सर, मैं आपसे कहता हूँ कंपनी के एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है कुछ, हमें नहीं पता, कंपनी कमीशन देती है 5% का। कितने का? 5% किसका? सेल्स का। क्या बच जाता है हमारे पास? ना, नेट सेलिंग प्राइस, कमीशन निकाला है, वेरिएबल कॉस्ट अभी बाकी है। सर इसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकालूं तो क्या बचे? सीएम बचे। सर ये ऊपर आपने क्या निकाला है, जरा सही से बताएं। देखो मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस ली, उसमें से 5% का कमीशन निकाल दिया, क्या बचा? नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस की? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा एग्जामिनर ने आपको बताया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 160। कितनी? 160। फिर एग्जामिनर ने आपको ये कहा कि जो सीएम है वो है 40% ऑफ नेट सेलिंग प्राइस, यानी पहली दफा उसने सीएम को सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट करने की जगह किससे कैलकुलेट किया? नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस। मुझे एक चीज ये बताओ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे टेबल पूरा करके दो, बताइए बाकी चीजें क्या है। शाबाश। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही, करो करो, खुद से करो, शाबाश। जो कर सकते हो ना कर लो, फिर मैं करा रहा हूं जी। 267 ऊपर जाओ ना, और ऊपर जाओ। टू एटी पॉइंट सेवन, यानी अल्टीमेट सेलिंग प्राइस की बात करो, मे भी यही हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो शायद। नहीं, हमजा अल्लाह बचाया, क्या हो गया भाई जी? 280.7 पक्का? अच्छा देखो हमने क्या किया, बताया, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। हमने 2 मिनट के लिए अज्यूम किया कि ऊपर वाली ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 2 मिनट के लिए हमने अज्यूम किया ऊपर वाली चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, बाढ़ में गई। हमने क्या किया, हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 100, और वो कह रहे हैं कि 40% नेट सेलिंग प्राइस का सीएम है, तो इसका मतलब है 60% वेरिएबल कॉस्ट होगी नेट सेलिंग प्राइस का। तो अगर मैं इसको 60% से डिवाइड कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट से मैं ये निकाल सकता हूँ कि नेट सेलिंग प्राइस कितनी थी, कितनी है? देखो जरा, 60% से डिवाइड करूं कितना? 40%। ऐसा तो मुझे बताओ मेरा सीएम 40% होगा, निकाल लो जरा, 106 पॉइंट, ये 40% है नेट सेलिंग प्राइस का। ऐसा फिर हमने कहा आप ऊपर वाली चीज को जिंदा करो, अब बताओ ये नेट सेलिंग प्राइस ग्रॉस सेलिंग प्राइस का 95% है, यानी मैं इसको डिवाइड करूं 95% से तो ग्रॉस सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब बताओ इसका 5% कमीशन है, ये पक्का? अगर बताओ अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट दे दूं और बाकी की सारी चीजें दे दूं, निकाल लोगे ऐसे पक्का? व्हाट इफ के 3 प्रोडक्ट्स होते तो फर्क क्या पड़ेगा, 3 दफा कर देंगे और क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा। और इफ के उसके कंपोजिट बनाना पड़े, हाँ बना लेंगे। व्हाट इफ के फिक्स कॉस्ट भी दियो, ब्रेक इवन निकालने को कहे, हाँ तो निकाल लेंगे ना, फर्क क्या पड़ता है? ऐसा पक्का? बड़े स्टेप करो, करो कॉपी करो सर, शाबाश। देखो मैंने पहले क्या किया, ऊपर वाले हिस्से को इग्नोर किया और क्या निकाला, नेट सेलिंग प्राइस निकाली, इसको 60% अज्यूम करके, सीएम 40% था, 100% हमने ये निकाल ली। फिर इसको 2 मिनट के लिए हमने सोचा कि 95% है, ये 5% कमीशन नेट होने के बाद आ रहा है, फिर हमने इसको 95% से ग्रॉस करके, क्लियर? बता सबसे पहले हमने इसमें क्या कैलकुलेट किया? सबसे पहले सर हमने कहा भाई नेट सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट को 60% अज्यूम करके, तो हमने 60% अज्यूम किया तो ये आ गया और ये आ गया, डन जी। नहीं देखो 105 का 5% 5 नहीं होता,
नेट सेलिंग प्राइस 100 है तो फिर ये 5% है, फिर ये 95 है, यही तो हमने किया है, ये 95 है, हैं? नहीं हमने देखो 200 में किया ना, पहले हमने नेट सेलिंग प्राइस मालूम कर ली, फिर हमने कहा एक स्टेप पीछे चले जाते, एक बंदा अगर वो शुरू से लेके चलना चाहे फिर लंबी हो जाएगी कहानी, फिर एक्स भी आएगा बीच में, फिर एक्स का 38% आएगा, 40% आएगा, इससे बेहतर क्या, ये तरीका ज्यादा आसान है, ठीक है ना। आपके एग्जामिनर ने इसको पहले एक्स अज्यूम किया, इसमें से माइनस के 5% ऑफ एक्स, ये आ गया 95% ऑफ एक्स, फिर ये आया 95 का 60% ऑफ एक्स, फिर ये आया 90, तो एक लंबी चौड़ी इक्वेशन बन के निकला, हमने क्या क्या काम, जिंदगी आसान, ठीक है जी। भाई एक चीज नोट कर लो, नहीं 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 नहीं, जब क्वेश्चन बोलेगा तब फोकस, सुनो ये चीज आपको भेजे में बैठ गई, करोगे अगर मैं सवाल दूंगा। इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, एक एग्जामिनर ने आपसे कहा, ए प्यारे बच्चे, ओ भाई तुझे अपनी अम्मी ने भी इतने प्यार से नहीं बुलाया होगा, यहां देख ले यार, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 80 रुपए, इसी यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 32 रुपए, सीएम कितना है 48 रुपीज, एग्जामिनर कह रहा है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपए, हमारे पास प्रॉफिट है पर यूनिट कितने 36, हमने एग्जामिनर को पकड़ के चमाट लगाई कि ये 12 रुपए फिक्स कॉस्ट कैसे हो गए पर यूनिट है, एग्जामिनर ने कहा मैंने ऐसे ही दी है, हमने कहा ऐसे ही का मतलब, उससे कहा हमारा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम 20,000 यूनिट्स है, कितना 20,000 यूनिट, कितना 20,000 यूनिट, और हमारे पूरे साल की फिक्स कॉस्ट 20,000 मल्टीप्लाई पे 12 करो, देखा भाई हमारी फिक्स कॉस्ट थी 2,40,000, हमने सोचा 20,000 यूनिट बनेंगे, तो हमने क्या किया, आदतन सारी चीजों को पर यूनिट पे डाल दिया, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर सिर्फ इसको दिखा रहा है, क्या कर रहा है, दिखा रहा है, ये पर यूनिट कभी भी नहीं होती। अब बताओ अगर सवाल इस तरह आ जाए तो बताओ हम टोटल फिक्स कॉस्ट तक कैसे जाएंगे, मैं इस 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, इस वॉल्यूम से, और कहां पहुंच जाऊंगा, याद रखना फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं होती, फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं होती, अगर एग्जाम में दे दे तो आपने इसको सीधा सीधा उठा के किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्सपेक्टेड आउटपुट से, ताकि क्या आ जाए हमारे पास, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाए, वो जान बूझ के ऐसी हरकतें करता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आके बच्चा परेशान, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती ही नहीं है, होती ही नहीं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो हमने क्या करना है सर, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लिए, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट से, एग्जामिनर सर जान बूझ के इस तरह की चीजें करता है। अब देखो एग्जामिनर ने ये चीज दी, आपसे कहा ब्रेक इवन निकाल लो, क्या निकाल लो, तो बताओ सबसे पहला काम मुझे इसमें क्या करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेनी है, फिर ये सीएम दिया हुआ ऑलरेडी, कर लो, करके दिखाओ शावर, हाँ जी, सिर्फ 400 यूनिट्स, कितने, नहीं नहीं यूनिट्स में निकाल के दो, 400 यूनिट्स बस, बेटा 2,40,000 को चरसियों नशियों डिवाइड करने किससे, बेटा बिल्कुल खामोश, देखो यार जब हम पढ़ रहे हो ना उस वक्त कोई अपनी फनकारी नहीं करेगा, ठीक है, एक क्लास का डेकोरम मेंटेन होगा, कोई फनकारी नहीं करेगा, पढ़ ले हम कॉपी कर रहे हो मजाक कर रहे हो, आप बेशक साथ में मजाक करो, बाखुदा मुझे अच्छा लगता है कि क्लास एक वाइब्रेंट क्लास रहे, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाने में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा कोई भी, ठीक है ना, ये सबके लिए बुरा होगा, क्लियर है। अच्छा जी मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास 2,40,000 की फिक्स कॉस्ट है, इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, देखो मैंने तुम्हें बताया कि एग्जामिनर बाज़ोकात जानबूझ के फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे देता है शरारतन, वो बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि भाई जब मैं टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं दे रहा तो आप एक काम करें इस 12 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, और आप टोटल फिक्स कॉस्ट तक खुद आ जाएं, और फिर आप इस टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें किससे, और यूनिट निकाल लो कितने 5,000, मुझे एक बात बताएं कंपनी कितने यूनिट अगले साल बेचेगी, ना 20,000 बेचेगी, 5,000 क्या आ जाएगा इसका, तो बाकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ऐसा, बाकी क्या है,
तो अगर एग्जामिनर इतनी सी कैलकुलेशन कराए, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे दे, तो मैं हमेशा क्या करूंगा उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट से मल्टीप्लाई करके क्या करूंगा, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लूंगा, फिर ब्रेक इवन निकाल लूंगा। क्या कभी भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है? नहीं सर, फिक्स कॉस्ट हमेशा कैसे होती है? अगर एग्जामिनर ने वेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया, इसका मतलब है वो आपसे क्या कर क्या चाह रहा है कि आप टोटल पे खुद चले जाओ। ऐसा कॉपी करो, शाबाश। हमारी क्लास है कितने बजे तक? 4 में है टाइम। मैं खड़ा हुआ हूं, तुम लोग आकाश की क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी यार, नहीं तो बच्चे अभी रो पड़ेंगे यार। नहीं, असल में यार मैं रात को बेताशा शीशा पिया, कोल्ड ड्रिंक पी है, उसके बाद मैं जाके सोया भी हूँ बैग पंखे के नीचे। अभी आजकल घर में कोई नहीं, आ जाओ। नहीं वाकई बता रहा हूँ, मैं घर वाले नहीं है, सारे आईटीटी के लड़के गए होते हैं, आकाश सब आते हैं, सारे टीचर्स भी वहीं बैठे होते हैं। जी 15 पे कॉल करो, करो शौक से, 15 वालों को बिठा के शीशा पिलाएंगे। जी लेकिन वो दूसरा हमारे पास अभी मौजूद है ना, वैसे एचओ भी आके पी लेगा शीशा, को टेंशन नहीं। जी मैडम एक मिनट जी, ये देखो मुझे एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एग्जामिनर कभी भी नहीं देगा। अगर देगा तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लो और फिर आप इससे ब्रेक इवन कैलकुलेट करो, ठीक है ना? नहीं ये नहीं, सिर्फ ये दिया हुआ होगा। चलो जी, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आ एक सवाल बोर्ड पे, मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे, बोर्ड पर छोड़ो सारी चीजें, छोड़ो सारी चीजें। आपसे एग्जामिनर कह रहा है भैया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 15, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 15, कमीशन कमीशन 5% ऑफ सेल्स, सीएम रेशो 40% ऑफ नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है जी, एक्सपेक्टेड आउटपुट 40,000 यूनिट्स रिक्वायर्ड, ब्रेक इवन पॉइंट, और नंबर टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज नहीं यूनिट्स। शाबाश, चलो जी मैं कह रहा हूं सीएम रेशियो और सीएम सेम होगा, क्या मतलब? अच्छा एक 40 रुपीज, एक 40% है, सेम कैसे हुआ है? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ, मुझे मालूम करनी है अल्टीमेट सेलिंग प्राइस। कमीशन कितना है? 5%, ये नहीं पता हमें सर। फिर हमारे पास नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट वो पता है हमें कितनी, वो कह रहा है ये सीएम जो है ना वो नेट सेलिंग प्राइस का 40% है, तो ये 5% निकालो, 5.2, 5.5, यही चाहे। अच्छा जी अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000 इंटू 40,000 / 40, अब्बास क्या समझ नहीं आया इसमें? अब्बास इसमें क्या समझ नहीं आया मेरे बच्चे, जल्दी पूछ लो। अगर इसको मैं 40 से डिवाइड करता हूं, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। सेल्स ये कैसे आई? देखो मैंने ये 60% से इसको डिवाइड किया तो मुझे 100% मिल गया नेट सेलिंग प्राइस, 40% मुझे मिल गया सीएम, फिर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 95% को,
95% से मैंने इसको डिवाइड किया तो मैं कहां पहुंचा, ग्रॉस सेलिंग प्राइस पे। पक्का? अब बताओ क्या आ रही है, 15,000। बताओ हमने कितने यूनिट बेचने, 40,000। ये हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स है जी मेरा बच्चा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो सेल्स आ रही होगी अगर आपने सीएम लिया होगा 40%, तो जो जवाब आ रहा होगा वो नेट सेल्स होंगी, ठीक है ना। और अगर आपने इस सीएम को इससे लिंक कर दिया तो जो जवाब आ रहा होगा वो सेल्स होगा, फर्क कोई नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना जी। एक्सपेक्टेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, पच्चीस हजार यूनिट्स हमारे पास क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है जी। पक्का? बढ़े हम आगे दोस्त, हमारी अभी है 11 मिनट है अभी, हैं? ऑफ दे दे, क्यों 15,000 का समझ नहीं आया? 15,000 ऐसे आया कि हमने 40,000 यूनिट पे 15 रुपए के हिसाब से चेक किया तो फिक्स कॉस्ट 6,00,000 बनी। मुझे एक चीज ये बताओ प्यारे भाई, एक एक करके बिल्कुल खामोश, एक बच्चे को जवाब दे दूं मैं। देखो इस बच्चे ने मुझसे पूछा कि 40,000 को 15 से मल्टीप्लाई क्यों किया। मैंने जब ये पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि जी बाज़ औक़ात एग्जामिनर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे देता है। 6 दफा हमने उसको डिस्कस किया, पर यूनिट जब भी फिक्स कॉस्ट दे वो बेकार बात है, आपको क्या निकालनी होगी, हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, अच्छा समझ गया उसके बाद, ठीक है जी। अब बताओ तुम्हारे पास एक यूनिट के सीएम कितना है, 40 रुपए। सर मैं फिक्स कॉस्ट को सीएम से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। मुहिम क्लियर है, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब ब्रेक इवन के बाद उससे कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो। हमने कहा 40,000 यूनिट अगर बेचने का इरादा किया बाबू तुमने और 15,000 गुना माफ कराने के लिए बेच रहे हो तो सवाब वाले कौन से यूनिट्स हैं, सेट है यार। एक बच्चे ने सवाल जी, यार एक मिनट, रुपीस में भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जवाब वो एग्जाम में अगर सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट लिख देना किसी में भी निकाल के दे, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। सर अगर वो सीएम निकलवाने के लिए सेम डाटा दे तो नेट सेलिंग प्राइस से निकालेंगे या सेलिंग प्राइस से, किसी से भी निकाल सकते हो। यहां देख लो, इधर देखो, यहां सीएम कितने परसेंट है, 40 है नेट सेलिंग प्राइस का। अगर आप सर 40% से इसको डिवाइड करोगे 4,00,000 को, तो 6,00,000 को डिवाइड करोगे तो जवाब आएगा वो नेट सेल्स होंगी। अगर आप सर इस सीएम को इससे डिवाइड करोगे ना तो ये 38% आएगा, चेक करो। अगर आप उसको 38% से डिवाइड करोगे तो जवाब ग्रॉस सेल्स आएगा, ठीक है जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस 6,00,000 को 38% से डिवाइड करो या 40% से डिवाइड करो, जो जवाब आएगा उसके आगे लिख क्लियरली देना बस। मुझे बताओ अगर मैं 6,00,000 को डिवाइड करूं किससे, 0.4 से, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी 15,00,000। 15,00,000 है नेट सेल्स, नेट ऑफ कमीशन ये सेल्स है। अगर एग्जामिनर आपको कहे कि 6,00,000 को डिवाइड करो किससे, 0.38 से, तो ये जो जवाब आएगा ये ग्रॉस सेल्स होंगी। करो कितना आ रहा है, 15,00,000 15,947। अब एक काम करो, उसका 95% लो, 15,00,000 आ गया। एग्जामिनर कहे भाई सेल्स निकाल के दो, आप ये निकाल के दे दो उसके आगे लिख दो ये नेट सेल्स हैं, या आप ये निकाल के दे दो उसके आगे लिख दो क्या है, ग्रॉस सेल्स है। दोनों ब्रेक इवन है, बिल्कुल सेम जी, समझ गए भाई।